उत्तराखंड राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के बाद सचिव उद्योग पंकज कुमार पांडे ने बताया कि गत वर्ष उद्यमियों ने दिए गए सुझाव में अधिकतर सुझाव को राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इससे राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग से जुड़े लोगों को उसके वैकल्पिक उद्योग में कार्य करने के लिए मदद मिलेगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 1 जुलाई से सारे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है, उसमें 22 तरीके के आइटम हैं जो पूरी लिस्ट है उनकी तरफ से, और भारत सरकार की तरफ से ये सजेस्ट किया गया है कि इसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं। तो पूरा भारत सरकार ने जो लिस्ट दी है उन लिस्ट के ऊपर मैंने सारे इंडस्ट्रीज को और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उस तरफ वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उनको सपोर्ट करेगी और उसी के लिए हम लोग नई पॉलिसी लाना है।